आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती क्या है आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रोलाइड के बारे में देखिए मैक्रोलाइड जो वर्ड है वो खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है मैक्रो प्लस लाइड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और लाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिंग यानी कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के अंदर लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होगी देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाता हूँ ये एक हमारी इलेक्ट्रॉन रिंग है और इसके अंदर क्या है ये ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है माइक्रोलाइट का इसके अंदर जो ये रिंग मैंने आपको बताई ये इलेक्ट्रॉन रिंग है है ना देखिए इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है ओके और इसके अंदर क्या है ये लार्ज है अब इलेक्ट्रॉन रिंग की आपको एक पहचान बताता हूँ कि कोई भी एक अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे तो उसके अंदर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो इलेक्ट्रॉन रिंग है उसके अंदर क्या होना चाहिए उस रिंग के अंदर ना देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे देता हूँ कार्बन कितने भी हों ठीक है यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट होगी और दूसरे कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा ठीक है ये पहचान होती है जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिंग है और अगर ये बनाऊँ तो ये भी एक क्या है इलेक्ट्रॉन रिंग है देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है ठीक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिंग की पहचान करने का तरीका है राइट अब आगे देखिए क्या कहता है कि मैक्रोलाइट वो होती है जिसके अंदर मैक्रोसाइकलिक इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है और जो ये इलेक्ट्रॉन रिंग है इसके साथ एक या एक से ज्यादा डिओक्सीगर प्रेजेंट होती है सुगर का नाम बताया गया है क्लेडिनोस या फिर डिसोजामाइन ये सुगर प्रेजेंट होती है ठीक है और जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन रिंग है ना वो कितने मेंबर्ड की होगी वो या तो फोर्टीन मेंबर्ड हो सकती है या फिफ्टीन मेंबर्ड हो सकती है या फिर सिक्सटीन मेंबर्ड हो सकती है राइट नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है मैक्रोलाइट के बारे में सबसे पहला जो मैक्रोलाइट कंपाउंड था फर्स्ट मैक्रोलाइट कंपाउंड वो था पिक्रोमाइसिन जो आइडेंटिफाई किया गया था सबसे पहले और इसको 1950 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था ठीक है आगे देखिए जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं मैक्रोलाइट का क्या होता है जनरल स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ये जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं जितनी भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होंगी उनके अंदर एक जनरल स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा ठीक है अब देखिए ये है जनरल स्ट्रक्चर हमारा ये जो रिंग प्रेजेंट है ना ये आपको दिख रही है लार्ज रिंग और जो साइक्लिक है इसको बोलेंगे मैक्रोसाइक्लिक और नाम क्या है इस रिंग का इलेक्ट्रॉन रिंग तो जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है उसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी ये हमारी इलेक्ट्रॉन रिंग है ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है इसके साथ मैंने आपको बताया था एक या एक से ज्यादा शुगर प्रेजेंट होगी देखिए यहाँ पे ये शुगर है और एक ये शुगर है है ना प्रेजेंट दो दोगर यहाँ पे प्रेजेंट है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिंग है या तो वो फोर्टीन मेंबर्ड होगी या फिफ्टीन या सिक्सटीन यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो आपको फोर्टीन मेंबर्ड दिखाया है देखिए नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तेरह तो कार्बन है और जो फोर्टीन पोजीशन पे है वो ऑक्सीजन है तो होगी ना फोर्टीन मेंबर्ड तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिंग है जो कि फोरटीन मेंबर्ड है ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है ये फोर्टीन मेंबर्ड भी हो सकती है फिफ्टीन मेंबर्ड भी हो सकती है और सिक्सटीन मेंबर्ड भी हो सकती है ठीक है अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग मेंबर आएंगे किसी में फोर्टीन मिलेगा किसी में फिफ्टीन किसी में सिक्सटीन ठीक है तो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट मैक्रोलाइड के बारे में ओके तो आगे चलते हैं हम क्लासिफिकेशन पे मैक्रोलाइड को क्लासिफाई किया गया है या तो ट्वेल्व मेंबर रिंग या फोर्टीन या फिफ्टीन या सिक्सटीन ट्वेल्व मेंबर के अंदर आपको ये मैथीमाइसिन बताया गया और फिफ्टीन मेंबर में एजिथ्रोमाइसिन और इसके अंदर स्पाइरामाइसिन और फोर्टीन मेंबर जो रिंग है इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन रोक्सीथ्रोमाइसिन फ्लूरीथ्रोमाइसिन ठीक है ये क्लासिफिकेशन है ओके okay, ये आपको याद करनी है अब इसमें से अगर आप इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करना आपको ये और एजिथ्रोमाइसिन और स्पाइरामाइसिन डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्टीन मेंबर ड्रिंग कौन सी है ठीक है एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे तीन एग्जाम्पल ये और ये दे दिए जाएंगे ये पूछ लिया जाएगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्टीन मेंबर ड्रिंग तो आपको टिक क्या करना है एजिथ्रोमाइसिन क्या है फिफ्टीन मेंबर्ड है इसलिए वो सही है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये या आपको याद कर लेना है फोर्टीन मेम्बर्ड कौन सी है फिफ्टीन मेम्बर्ड कौन सी है आपके सिलेबस में यही दी है आपके सिलेबस में शायद से तीन ही दी है एजिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन लेकिन आपको याद कितनी करनी है ये तीन तो याद करनी ही करनी है एक ये और एक ये मतलब जो ये मैंने बताया ये सारी याद करनी है वैसे तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ठीक है तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैक्रोलाइड का वो क्या है वो वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो ये जो एंटीबायोटिक्स है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबीट कर देती है ठीक है जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ा था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबीट करना इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस को इनभीट करना लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है वो फिफ्टी जो राइबोसोम की दो सब यूनिट मैंने बताई थी एक थी फिफ्टी और एक थी थर्टी ठीक है और जो ये फिफ्टी एस है और ये जो थर्टी एस है ये सब यूनिट होती हैं किसकी राइबोसोम की देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ जो बैक्टीरिया होता है ना बैक्टीरिया उसके अंदर सेवेंटी एस राइबोजोम प्रजेंट होता है ठीक है सेवनटी एस राइबोजोम प्रेजेंट होता है और सेवनटी एस जो राइबोजोम होता है उसकी दो सब यूनिट प्रेजेंट है ये बडी वाली तो फिफ्टी एस है और ये हमारी थर्टी एस है ठीक है तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या करती थी जैसे ही हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेते थे तो वो क्या करती थी वो बैक्टीरिया के थर्टी एस राइबोजोम के साथ जाके बाइंड कर देती थी और प्रोटीन सिंथेसिस को इनभीट कर देती थी प्रोटीन क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है ठीक है अगर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गई तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी ठीक है अब यह था टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब बात करेंगे मैक्रोलाइड की मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक है व, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है ये इनभीट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को लेकिन डिफरेंस क्या है ये वाले जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है ये इसके साथ फिफ्टी एसराइबोजोम सब यूनिट है इसके साथ जा बाइंड करेंगे और तब प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबीट कर देंगे ठीक है समझ में आया तो जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगी और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबीट करती हैं बाय बाइंडिंग इ रिवर्सिबिली टू ए साइट ऑन फिफ्टी एस सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल लाइव जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के फिफ्टी एस सब यूनिट के साथ राइबोसोम की फिफ्टी एस सब यूनिट के साथ बाइंड होके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगी ये सिंपल सा मकैनिज़म ऑफ एक्शन है जो आपको याद हो जाना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की देखिए कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन ठीक है इसके अंदर भी दिख रहा होगा ये है एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर क्या है ये एक शुगर प्रेजेंट है ये भी एक शुगर प्रेजेंट है ठीक है अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ जो ये मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स होती है ना इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होती है देखिए ये प्रेजेंट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ठीक है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ होती है ठीक है तो ये माइक्रो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है तो ये एजिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर है ये आपको याद करना है ठीक है इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं आगे देखिए एरिथ्रोमाइसिन रोक्सीथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन इन तीनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है आपको क्या करना है ये स्ट्रक्चर याद करना है इसके अंदर क्या है जो आर पोजिशन है देखिए ये रही आर पोजिशन आर पोजिशन पर डबल बॉन्ड ओ लगाया और आर वन पे एच लगाया ये हमारी आर वन है आर वन पे एच लगाया तो एरिथ्रोमाइसिन बन जाएगा अगर आर पोजिशन पे आपने ये लगाया और आर वन पे ये लगाया तो रोक्सीथ्रोमाइसिन बन जाएगा और क्लैरिथ्रोमाइसिन कब बनेगा जब आर पे आप डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे और आर वन पे सी एस थ्री लगा दोगे ठीक है तो अगर आप ये ही स्ट्रक्चर याद कर लेते हो तो आपको तीन स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ठीक है बस थोड़ा सा ही चेंजेज है तो ये चार स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताई ये आपको याद करनी ही करनी है ठीक है तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेक्चर वन यूनिट टू जो था मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ठीक है ठीक और जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे वहाँ पे आपको एक लिंक दिया मिलेगा उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है आपको स्क्रीन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर